मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। दोस्तों, अपने दिन की शुरुआत आप किस तरह करते हैं? चाय से ना? जी हाँ, भारत में लगभग 90% लोग सुबह नाश्ता करने से पहले चाय पीना पसंद करते हैं। ज़्यादातर लोग तो इसके बिना अपने दिन की शुरुआत ही नहीं कर पाते। चाय पीने की आदत अगर एक बार लग जाए तो लोग इसके बिना रह भी नहीं पाते। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि चाय पीने से शरीर में चुस्ती बनी रहती है। वैसे चाय कई तरह की होती है, जैसे ब्लैक टी, ग्रीन टी, वाइट टी, लेमन टी, कैमोमाइल वगैरह। अलग अलग तरह और अलग अलग स्वाद होने के साथ साथ इनको पीने से अलग अलग फ़ायदे भी होते हैं। तो चलिए आज जानते हैं अलग अलग तरह की चाय पीने से मिलने वाले अलग अलग फ़ायदों के बारे में। बात करेंगे सबसे पहले ब्लैक टी की। रोज़ाना एक कप काली चाय पीने से शरीर स्वस्थ रहता है। इसका सेवन करने से दिल से जुड़ी समस्याएं नहीं होती। काली चाय से डायबिटीज़ होने का खतरा कम रहता है। ये दिमाग की कोशिकाओं को ठीक रखता है। इसको पीने से औरतों में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना कम होने के साथ ही ये मुंह के कैंसर को रोकने में भी मददगार होता है। जिन लोगों का पाचन तंत्र ठीक नहीं रहता, उन्हें रोज़ाना एक कप काली चाय ज़रूर पीनी चाहिए। इसके साथ ही इसको अपनी डाइट में शामिल करने से प्रोस्टेट, ओवेरियन और फेफड़ों के कैंसर से बचा जा सकता है। बात करेंगे अब ग्रीन टी की। मोटापे की समस्या से निजात दिलाने के लिए ग्रीन टी काफ़ी फायदेमंद है। ग्रीन टी पीने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। रोज़ाना इसका सेवन करने से कैंसर से लड़ने की शक्ति मिलती है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए ग्रीन टी पीनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी खाली पेट इसका सेवन ना करें। आप दोपहर के खाने के बाद इसको पी सकते हैं। बात करेंगे वाइट टी की। व्हाइट टी एक प्रकार की हर्बल चाय है। इसमें पाए जाने वाले एंटी एजिंग गुण त्वचा को हमेशा जवां बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसको पीने से चेहरे पर झुर्रियां भी नहीं आती। व्हाइट टी ब्लड सर्कुलेशन को सही करने और हार्ट को हेल्दी रखने में सहायक है। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें, रोज़ाना 2-3 कप से ज़्यादा आपको कोई भी चाय नहीं पीनी है, क्योंकि इससे ज़्यादा चाय पीने से स्वास्थ्य को नुकसान भी हो सकता है। बात करेंगे लेमन टी की। जिन लोगों के मुंह से बदबू आती है, उनको रोज़ाना इसका सेवन करना चाहिए। इससे मुंह से आने वाली दुर्गंध दूर हो जाती है। इसके साथ ही गले में खराश होने पर भी इसको पीने से फ़ायदा मिलता है। पेट संबंधित समस्याओं से निजात पाने के लिए दिन में 1 कप लेमन टी आप पी सकते हैं। लेकिन अगर अल्सर की समस्या हो तो ऐसे में लेमन टी का सेवन बिल्कुल भी ना करें। बात करेंगे स्टार अनीस टी की। स्टार अनीस टी कब्ज, एसिडिटी, उल्टी, दस्त, पेट से संबंधित समस्याओं को दूर करता है। दिन में 1 कप स्टार अनीस टी पीने से पाचन तंत्र में सुधार आने से व्यक्ति की सेहत भी अच्छी रहती है। बात करेंगे रोज टी की। इसके नाम से ही पता चलता है ये गुलाब के पत्तों से बनी है। इसका सेवन करने से पेट की परेशानियां दूर होती हैं और चेहरे पर निखार आता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन B3, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई होता है, जो सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। बात करेंगे कैमोमाइल टी की। कैमोमाइल टी पीने से नींद न आने की समस्या दूर होने के साथ ही इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। सर्दी जुकाम होने पर इसको पीने से फ़ायदा मिलता है। पीरियड के दिनों में इसका सेवन करने से पीरियड में होने वाले पेन से भी राहत मिलती है। तो आज हमने आपको ये बताया कि अलग अलग तरह की चाय से आपको किस किस तरह के फ़ायदे होते हैं। पर इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप बताई गई किसी भी चाय का पहली बार सेवन कर रहे हैं और इसका सेवन करने से आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होती है, तो अच्छा ये होगा कि आप इस चाय का सेवन अपने डॉक्टर की सलाह पर ही करें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि जो चीज़ किसी और को सूट करे वो आपके लिए बेहतर हो। इसीलिए इस चीज़ का ख्याल रखें। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसी ही कुछ और ख़ास जानकारियों के साथ। फ़िलहाल अभी के लिए बोल्ड स्काई में बस इतना ही।